मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है तो पुराने चेहरों के अलावा ऐसे कौन से नए चेहरे होंगे जिन्हें कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल में जगह देती है। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का सरगर्मी से चुनावी दलों के साथ लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में अगर 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए तो कमलनाथ का नाम लगभग तय है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में वो किसे मंत्री पद दे सकते हैं? इनमें चंबल संभाग के सभी 8 जिलों में करीब 1 दर्जन ऐसे नाम हैं जिन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है, जिनमें पुराने बड़े नेता तो शामिल हैं ही, वहीं 2 बार के विधायक और नए चेहरे पर भी कांग्रेस विश्वास जता सकती है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ को सबसे ज्यादा दिक्कत जो है ग्वालियर चंबल संभाग से मंत्रियों के चयन में ही आने वाली है, क्योंकि यहाँ अनेक कद्दावर नेता जीत के जाएंगे अगर सरकार बनती है और जीतते हैं तो। जैसे अगर हम ग्वालियर की ही बात करें तो ग्वालियर में सतीश सिंह सिकरवार एक प्रमुख दावेदार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की और अब अगर फिर जीतते हैं तो वो दूसरी बार के विधायक होंगे। जातिगत समीकरण के हिसाब से भी उनको यहाँ से उम्मीदवार मतलब मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए कांग्रेस की सरकार में कौन से चेहरे बन सकते हैं मंत्री। भिंड जिले की लहार सीट से प्रत्याशी नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, ग्वालियर भितरवार विधानसभा से प्रत्याशी 3 बार के विधायक व पूर्व मंत्री लाखन सिंह, शिवपुरी विधानसभा से पूर्व मंत्री केपी सिंह कक्काजू, गुना की चाचौड़ा विधानसभा से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, गुना की राघोगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह। कांग्रेस सरकार बनने पर नए चेहरों को भी तवज्जो दे सकती है जो जीत कर आएंगे। अब जानिए ऐसे प्रत्याशियों के नाम। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से प्रत्याशी व मौजूदा विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से मौजूदा विधायक प्रवीण पाठक, ग्वालियर डबरा कोटे में विधानसभा से प्रत्याशी व मौजूदा विधायक सुरेश राजे, या फिर करेरा विधानसभा से मौजूदा विधायक प्रगतिलाल जाटव। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस की अगर 2023 में सरकार आती है तो पुराने और नए चेहरों के अलावा वो चुनावी समर में जीत कर आए ऐसे नए चेहरों को भी मंत्री पद से नवाज सकते हैं जो बीजेपी के किसी न किसी बड़े चेहरे को हरा कर आए हों। इसके अलावा कांग्रेस जातिगत आधार पर भी नए चेहरों को तवज्जो दे सकती है। शर्मा की संभावना तो कम बनेगी क्योंकि पहली बार के विधायक हैं, लेकिन अगर जैसे दतिया में जिस तरह से राजेंद्र भारती ने संघर्ष किया है तो अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर ध्यान दे सकती है पार्टी। और हॉट सीट अगर वहां की बात करें दिमनी की, तो दिमनी में ना तो कांग्रेस के फिलहाल तो जीतने की कोई संभावना दिखाई दे नहीं रही, और अगर जीतती है तो फिर उस समय की जो स्थिति बनेगी उस पर होगा, बन भी सकते हैं। जानिए ऐसे नए चेहरे जिन्हें जीतने पर कांग्रेस तवज्जो दे सकती है। मुरैना की दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर विधानसभा से ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के सामने कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा, दतिया विधानसभा से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती, दतिया जिले की भांडर विधानसभा से फूल सिंह बरैया, भिंड जिले की अटैर विधानसभा से हेमंत कटारे। कांग्रेस सरकार बनने के बाद जातिगत आधार पर भी मंत्री पद दे सकती है जिनमें ये नाम शामिल हो सकते हैं। मुरैना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुर्जर, या फिर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से साहब सिंह गुर्जर, मुरैना की सुमावली विधानसभा से अजब सिंह कुशवाहा, या फिर पोहरी से कैलाश कुशवाहा। हालांकि यह चुनावी आकलन भर है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा 3 दिसंबर को होगी जब मतगणना वाले दिन ईवीएम में बंद प्रत्याशियों के भाग का फैसला होगा और ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।